मैं ममता चौधरी पटना बिहार से आपका रूफ टॉप गार्डनिंग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स आए अपने गार्डन में और करने वाले हैं सब्जियों का हार्वेस्टिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर में लगा हुआ है बहुत सारा गोभी। इस तरह से देखिए बहुत सारा गोभी लगा हुआ है फ्रेंड्स, इधर भी लगा हुआ है और इधर में लगा हुआ है। देखिए करीब करीब 8-10 गोभी लगा हुआ है। तो अभी इसमें से कम 3-4 गोभी को हार्वेस्ट करने वाले हैं। देखिए ज़्यादा टाइम होने के बाद किस तरह से हो जाता है। और ये देखिए गोभी कितना बढ़िया है, देखिए कितना अच्छा गोभी है फ्रेंड्स। इसको अभी उखाड़ के नहीं हटाए हैं क्योंकि ये और भी गोभी लगा हुआ है तो हट जाता है, पूरा उखड़ जाता है। देखिए कितना अच्छा हरा हरा गोभी अपने गार्डन का। देखिए इतना अच्छा गोभी है इस तरह से, और यहाँ से हट चुका है गोभी ताकि इसको अब इसमें गोभी बन जाएगा जल्दी से। जितना स्पेस मिलेगा गोभी बंदा सभी को उतना जल्दी वो सरवाइव करता है। देखिए 3 गोभी कट चुका है, एक और कट जाएगा। तरह से अपने गार्डन का इतना अच्छा गोभी, देखिए 4 गोभी को हटा चुके हैं और ये पालक जितना भी ग्रो बैग में है अभी सभी को हटाएंगे। और अब भिंडी तोड़ लेते हैं। अभी भी दिसंबर अब लास्ट होने जा रहा है और भिंडी अपने गार्डन का मिल रहा है। ऊपर से जो काट चुके थे तो देखिए इसमें कितना अच्छा भिंडी बन रहा है। अभी आराम से धूप सेक रहा है। सिम्बा, ये लाल भिंडी है फ्रेंड्स। तो देखिए अब इसको हटा देंगे और इसमें बंधा लगाने वाले हैं, एक में पाइनएप्पल लगाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इतना भिंडी मिल चुका है और दिसंबर का आज हो गया 23 तारीख और इतना भिंडी और 4 गोभी ले चुके हैं अब करेला और सेम का हार्वेस्टिंग कर। ये मेरा ये सलाद पत्ता है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए कितना छोटा में लगाए हैं और देखिए बिल्कुल एकदम लग रहा है जैसे कि बड़ा सा इसमें ये कमल का फूल के तरह हो गया है। और इसी तरह छोटे छोटे में लगाने वाले हैं। मेरा लौकी है, देखिए सॉरी कद्दू जो है मेरा, ये अमेरिकन कद्दू है और पीला कलर का है ये। तो इसको अब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, बटर स्क्वैश भी इसे बोलते हैं। कितना बढ़िया है और इसका सब्जी बहुत टेस्टी बना। एक कद्दू मिल गया, इधर भी है फ्रेंड्स और इधर भी एक कद्दू बन रहा है। दो जो सूख गया उसको भी हटा देते हैं। इतना बढ़िया लौकी, ये देखिए एक तो छोटा है और ये देखिए इतना बड़ा कद्दू मिल गया अपने गार्डन का। इतना सारा भिंडी और सलाद पत्ता और मूली को हार्वेस्ट करते हैं, मूली को। ये 4 गोभी, ये देखिए अपने गार्डन का 4 गोभी। और मैं पत्ता का भी इस्तेमाल करती हूँ, इससे भी सब्जी में डालती हूँ और भुजिया सब साग भी बनाती हूँ। तो कैसा लगा यह मेरा हार्वेस्टिंग वीडियो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और मूली का हार्वेस्टिंग करती हूँ इधर से मूली, और ज़्यादा नहीं लेंगे फ्रेंड्स, 2 मूली ही लेंगे क्योंकि अपने गार्डन का है। तो कभी भी जब हम सलाद बनाना रहता है तो ले लेते हैं, और एक इसको ले लेते हैं। तो 2 मूली ले चुके हैं अपने गार्डन का, एकदम हरी हरी ताजी ताजी मूली। जरूर से कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के ये 2 मूली ले चुके हैं और इतना सब्जी। और मिलते हैं फ्रेंड्स दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।